सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को। जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर श्री गुरु नानक देव सांझी विरासत चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड 2121 नई बस्ती नरला ने बड़ी धूमधाम से प्रकाश पर्व मनाया। इस अवसर पर विशाल लंगर का आयोजन किया गया। वह सुबह संगत कीर्तन का आयोजन किया। श्री गुरु नानक देव सांझी विरासत चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड 2121 नई बस्ती नरला के प्रधान सरदार मलकीत सिंह पदम ने सभा को संबोधित करते हुए अपने ऊपर लगे इल्जाम पर सफाई दी और कहा, जो मेरे ऊपर इल्जाम लगे हैं उसका फैसला कोर्ट करेगी। किराएदार ने किसी बच्चे को मार दिया, मेरी बेटी ने उसको अलावा देता भी तेरे बच्चे ने मेरे बच्चे को मारे, इन्हें समझाओ। वो लड़ाई इन्नी बढ़ गई कि उन्हें मार के मेरी बेटी को धक्का मारिया और कहती तेनों ना नजारा दिखाऊंगी लड़ाई का। रात को 11 बजे पुलिस आती है, पुलिस ने मेरे को मेरी बेटी को खाया, इन्हें मेरे को खाया, पहले भी मेरे पास मार मेट्रो बैठ के पुलिस वाले आ जाते हैं, मगर आपको पता नहीं इनको क्या दिक्कत पड़ेगी। मैं उनको जाके बोला, हाँ जी बताओ क्या सेवा, कहता सेवा पूछ रहे हो, मैं हाँ जी भाई आप मेरे को बुलाने आए तो मैं सेवा ही पूछूंगा ना आपसे। बोले आपने 1 बजे दिन में इस औरत के साथ रेप कर दिया और आप हमसे बात पूछ रहे हो, तो मैंने उसको एक ही बात कही कि जो रेप करता है वो अपने घर में आराम से सोता है क्या? अगर मैं रेप करता तो अपने घर में ही सोता, रेप करता तो कोई बाहर नहीं जाके करता। तो चलो उसके बाद पुलिस ने कहा आप पुलिस स्टेशन चलो, मैं मेरे मित्र और मेरे साथ 5-7 आदमी पुलिस स्टेशन चले गए और उस औरत को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल में ले गए। अब ये उस औरत का मेडिकल नहीं हुआ, जो आयु ओम प्रकाश है वहाँ पे उसको उसने कहा जी कुछ केस नहीं है, आप हमें 20 लाख रुपए दिला दो, 1 करोड़ दिला दो, हम इस केस को यही खत्म कर देते हैं। दूसरे दिन आई वाई जो लेडी थी तो उसका मेडिकल करवा के आई थी, उसने कहा कि जी 20 लाख देने को तैयार हो, करोड़ देने को तैयार हो, उसको मायने क्यों? उसने कहा मैं कोर्ट में बयान नहीं दूंगी, अगर आप 20 लाख दे दो ये दे दो, मैं कह रही उसको कोर्ट में बयान देने दो, मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ, जहाँ आपने मेरे को लेकर आना ले जाओ। मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा लेडी से कभी झगड़ा हुआ था, उसने कहा जी हुआ था, इस बात में हुआ था बच्चों के हुआ था। आपने क्या कहा मैडम को, मकान मालिक को धक्का मार दिया आपने, ये बोला तो ये देखोगे तो 47,000 रुपये हमारा किराया भी बाकी था। उनसे पूछा गया कि किराया देते हो, हाँ जी किराया भी देते हैं, तो ये 47,000 कहाँ से हो गए देने हैं, मतलब ना हाँ करी ना ना करी। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने हमारे वकीलों को कहा कि जी इनको टेम्परेरी बेल दे दो, उन्होंने मेरे को टेम्परेरी बेल ना देके उन्होंने साफ इसके अंदर लिखा है ये केस एकदम झूठा है और इनके साथ फ्रॉड हो रहा है और मेरे को परमानेंट बेल मिली हुई है। अब चलो मेरी किस्मत अच्छी थी, बाबा जी की कृपा थी मेरे पे, मैं सच्चा था तो मेरे को उसकी बेल मिल गई। मेरे खिलाफ किसने किसी ने भी जिसने भी प्रचार किया गलत किया उसकी आत्मा जानती है, जिसने मेरे खिलाफ प्रचार किया तो गलत किया। और मैंने आज जो आपको सबको बुलाया इसलिए बुलाया कि मेरे को पूरा नरेला जानता है, मेरी 70 साल की उम्र है, नरेला में जन्मा हूँ, नरेला में पढ़ा हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ। आज भी मेरे यहाँ 180 लड़कियाँ पढ़ती हैं, इंस्टीट्यूट में 180 बच्चे पढ़ते हैं, टीचर लाइन में रहा हूँ, स्कूल में टीचर लेडीज में रहा हूँ, गेंट्स में रहा हूँ, आज तक कोई मेरे को गुरुद्वारे के अंदर या कह लो कभी हाँ मलकीत सिंह ने कोई बात किया तो मेरे को छूड़ी में कटा देना। मैं फिर आपसे सबसे पहले एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर इसे मैंने किया है तो उसकी सजा मेरे को मिल जाएगी, परंतु पब्लिक को कोई अधिकार नहीं किसी के ऊपर आरोप लगाने का। 22 जनवरी को जो गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाया था उस दिन से मेरा मन एक गुरुद्वारे की सेवा से हट गया, मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ। उसी दिन मेरा मन हो गया था मलकीत सिंह जो मेरे सेवा करने की कर ली, अब मेरे को सेवा नहीं मिली, मेरे मन में उसी दिन आ गया था ये सारे भाई बच्चे उस दिन के बाद मैं गुरुद्वारे बहुत समझता हूँ सबसे देखता है, बाकी संघर्ष जो फैसला करेंगे मेरे को मंजूर है। सभी ने अपने अपनी राय दी और कहा कि अगर सरदार मलकीत सिंह गलत हैं तो उसे सजा कोर्ट देगा। इस पर सरदार राजेंद्र सिंह पदम खालसा ने कहा, सरदार मलकीत सिंह पदम हमारा बड़ा भाई है, वो कभी गलत नहीं कर सकता, अगर किसी भी तरह का उस पर कोई इल्ज़ाम है तो वो गलत है, और अगर
उसने गलत भी किया है तो उसका फैसला अदालत करेगी। और बड़ा जो भरा होंगे बाप का दर्जा होंगे उसका एम एल ए अगर किया भी है काम तो असं घट तो घट आपके काम दबागे या उछाले असं उस पर चादर पावे चादर उतारा सियाणा बंदा बजुर्ग बंदा कौन होंगे जोड़ा गलती के उपर चादर पाँगा ही चलिया जाए चादर पाँगा ही चलिया जाए और अगर किया ही नहीं होया तो बाबा जी जानते हैं कानून आपका काम करेगा। मैं नहीं लग रहा सारे भरा ने ऐसा काम किया है सरदार सरवण सिंह पदम खालसा ने कहा, मैं उसे सिख नहीं मानता जो गलत काम करते हैं और गाली गलौज करते हैं, किसी का हक मारते हैं या किसी को सताते हैं। वो सच में सिख कहलाने लायक ही नहीं है। जो इंसान मीठा नहीं बोल सकता वो मेरे हिसाब से सिख कहने के काबिल ही नहीं है। मैं उस बंदे को कदे से कहूंगा ही नहीं जो गाली गलौज करे आपस में भाईचारे शक करे। मैं उस चीज तो बिल्कुल उस बंदे को खारिज कर दूंगा। किशन बंसल ने कहा, सब मिलकर एक रहो एक दूसरे पर। आजकल बहुत औरतें घूम रही हैं या बहुत लोग ऐसे घूम रहे हैं जो किसी पर भी कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं, ठगी बदी करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं और आदमी की इज्जत को बर्बाद कर देते हैं। गांधी मलकीत सिंह ने जो अपनी क्लैरिफिकेशन की है, एक वो ब्लैकमेल बहुत हानते हैं आजकल जो इस तरह झूठा आरोप लगा कर जो इस तरह का एक आदमी के ऊपर उसकी इज्जत उछालने की कोशिश की। एक ये गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान होने के नाते भी कितना बड़ा लालचन जो लगाया है वो बहुत शर्मनाक है। उसने लेडीज ने अपने लोग के कारण या किसी के बकायों में जो भी किया वो बड़ा गलत होगा और सबके लिए हम तो ये कहना चाहूँगा सब एक होके प्रेम से रहें और आपस में कोई बात हो तो बैठ कर उसका निवारण भी हो सकता है और बैठ कर प्रेम से जो है कोई भी आपस में कोई गलत नहीं एक दूसरे के प्रति उसको दूर करना। गले मिलकर सभी ने प्रकाश पर्व की सभी को लख लख बधाइयाँ दी। टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहता सिंह।